दोस्तों, बहती हुई नदियां कितनी सुंदर लगती हैं, और हमने इतिहास में भी सुना है, पढ़ा है कि इंसानी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही हुआ था। नदियां ही धरती को सींचती हैं और अकाल सूखे को भी यही दूर करती हैं, और शायद इसीलिए हम नदियों को माँ समान पूजते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, एक नदी का जन्म कैसे होता है? क्या ये शुरुआत से ही इतनी विशाल और इसका इतना तेज बहाव होता है? नहीं, बारिश की छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक पतली सी धारा बनाती हैं। ये धारा विशाल पहाड़ों को काटते हुए, अपने में पिघलाते हुए अलग अलग जल स्रोतों से गिरती है और चट्टानों से टकराती है, फिर कहीं जाकर ये नदी बनती है। ठीक इसी तरह ऐसे ही सीधे सीधे कोई महान नहीं बन जाता, छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक विशाल व्यक्तित्व बनाते हैं। इसलिए जीवन में प्रयास करते रहिए, नाम तो अपने आप ही हो जाएगा। दोस्तों, अगर विचारों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल सकता है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।